नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी कडागर। आप देख रहे हैं नेशन भारत न्यूज। नीतीश कुमार ने कहा कि यूक्रेन में इतनी तादाद में भारत के छात्र मेडिकल पढ़ने जा रहे हैं, इस बात की जानकारी अब सामने आई। लेकिन यहां भी सच है कि मेडिकल और इस तरह की पढ़ाई को लेकर जो भी स्ट्रक्चर तैयार होता है वह केंद्र सरकार की तरफ से तय किया जाता है। नीतीश कुमार ने कहा कि अब बात भी सामने आई है कि यूक्रेन में देश से सस्ती मेडिकल की पढ़ाई होती है। अगर ऐसा है तो केंद्र सरकार को इसे देखना चाहिए। नीतीश कुमार ने कहा कि पहले जो लेफ्ट विचारधारा के लोग होते थे वहीं पढ़ाई के लिए सोवियत संघ या रूस जाते थे, लेकिन अब इतनी बड़ी तादाद में अगर बिहार से छात्र जा रहे हैं तो इसे देखना होगा। जरा पुराना बतवा जान लीजिए, अब नई बात आई है। आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, अभी कम्युनिस्ट पार्टी में थे, उसी का एक हिस्सा हो गए तब कर। अरे वो हमने, अरे मेरा कोई विरोध नहीं है, आप बात समझिए। हम लोग भी आपको हम नहीं कहेंगे, क्योंकि हम लोगों को तो बहुत हाल में ये बात जानने को मिला कि इतने लोग बाहर चले जा रहे हैं, तो सचमुच सोचना पड़ेगा कि भाई किसी को। अब पहले तो हम लोग वही जानते थे कि भाई कुछ ही लोग जा रहे थे, लेकिन अब इतना लोग अब जा रहे हैं तो इन सब चीजों पर तो निश्चित रूप से विचार करना चाहिए। ये विचार चल रहा हो, करेंगे। लेकिन एक बात जान लीजिए, अभी अचानक कोई राज्य सरकार का है सिर्फ विषय नहीं है, ये तो सबको इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि कैसे हमारे बच्चे बच्चियों को बाहर जाने की कोई नौबत ना आए, ये हम लोग जरूर सोचना चाहेंगे। ये जरूर है, ये बात भी मन में रखिए। इस अंग में फिलहाल इतना ही, अगले अंग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए। Thank you.